नमस्ते, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। अपने विचारों को हर समय निडरता के साथ बेबाकी ढंग से प्रस्तुत करने वाली निर्देशक, कलाकार व अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गई है। हालांकि उनके लिए इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राजनेताओं की राजनीति और कंगना रनौत खबरों में परस्पर बने हुए चल रही हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ बयानबाजी के लिए भी बेहद मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयान के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में लगातार बनी हुई हैं। हाल ही में उन्हें मणिकर्णिका फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके पश्चात ही उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वो एक बार फिर से राजनीति और राजनेताओं से अधिक समय तक अछूती नहीं रह पाई। चाहे आम आदमी पार्टी की प्रीति शर्मा मेनन हो, चाहे बीजेपी के वरुण गांधी हो या एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ स्वाति मलिवाल ने उनके बयान के लिए राष्ट्रपति को लिखा कि उन्हें अवार्ड की नहीं इलाज की आवश्यकता है। पर फिर भी जी ने भगत सिंह को फांसी कैसे होने दी? बंटवारे की रेखा एक अंग्रेज द्वारा कैसे खींची गई? इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा युद्ध किए जाने से भी हमें आजादी मिल जाती? उनके इन सब सवालों का यदि कोई उत्तर देकर बता पाए कि उन्होंने किसी का अपमान किया है तो वो अपना पुरस्कार लौटाकर माफी मांग लेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत को असली आजादी 2014 के बाद मिली है। इसके पहले हम आजादी मिलने के बाद भी मानसिक रूप से गुलाम ही थे। इसके बाद नेताओं द्वारा इनकी खूब आलोचना हो रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यहां तक कि बीजेपी के नेता तक भी राष्ट्रपति से उनसे अवार्ड वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि उन पर सेडिशन फाइल किया जाना चाहिए। आर्यन खान ड्रग केस में सीबीआई के समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी उनके बयान का खंडन करते हुए कहा कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। ये तो हो गए विरोधियों की बातें। मराठी फिल्म, बॉलीवुड और टीवी के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले ने कंगना रनौत की बातों से सहमति जताई है। महाराष्ट्र में एक आयोजन में उन्होंने कहा कि वो कंगना रनौत के स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं। हमें आजादी दी गई, लेकिन ब्रिटिश राज के समय जब स्वतंत्रता सेनानियों को सूली से लटकाया जा रहा था तो बहुत से लोग मूक दर्शक बने। उन्हें बचाने के लिए बिना किसी प्रयास के केवल तमाशा देख रहे थे। गोखले ने कहा कि हर एक राजनीतिक पार्टी, बीजेपी भी, अलग अलग कंट्रोवर्सी से लाभ उठाने के प्रयत्न में लगी रहती है। त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स के फिराक में लगी रहती हैं। उनके अनुसार बीजेपी और शिवसेना को एक बार फिर से साथ आ जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को लोगों को छलना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता कभी भी सजा दे सकती है। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और एयर इंडिया की वर्तमान स्थिति के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ऑटरिंग। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।